हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम डी सी लर्निंग स्टैंडर्ड टी वाई बी कॉम सब्जेक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग चैप्टर प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग ओके फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग अ प्राइजिंग स्ट्रैटी इज टू डेवलप प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव ओके पहला स्टेप जो है अपना प्राइजिंग सैटर्जी रखने से पहला प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव रखो ओके okay? उसको डिसीजन मस्ट अकम्पलिश प्रॉपरली ओके प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव मस्ट सपोर्ट द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड दैट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एक प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस प्रॉपरली डिटरमाइन करता है कि इसको अपन कैसा वाइडर मार्केट में लेके जा सकते हैं एक प्राइस प्रॉपरली डिसाइड करता है कि इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इसको अपन कैसा कैरी फॉर्वर्ड कर सकते हैं पूरा लाइफ लॉन्ग यस और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ठीक मोस्ट टाइम पे आगे रहता है ओके तो ये जो प्राइजिंग प्रोडक्ट है ये कितना इम्पोर्टेंट है हर एक शेयर होल्डर अपने आप को एन्हांस करता है उसका एक कॉपरेट इमेज होता है जरूरी नहीं है प्राइस लाख रुपए रहेगा तो ही उसका कॉपरेट इमेज बनता है नो नॉट एट ऑल प्राइस स्टेबल रहना चाहिए प्राइस नोन रहना चाहिए ओके तो लेट अस अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइजिंग फर्स्ट इज सर्वाइवल मोस्ट ऑफ द फर्म सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव टू अदर रिसेशन वेन कस्टमर्स ऑन एन एवरेज मनी टू स्पेंड प्राइजेस आर रीज इन ऑर्डर टू मेंटेन सफिशियंट फ्लो ऑफ कैश फॉर वर्किंग कैपिटल ये इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट आर वेरी लेस इम्पॉर्टेंट देन यू हैव टू सरवाइव इन दिस मार्केट और नॉट बिकॉज हर रोज हर रोज एक एक कॉम्पिटिशन बढ़ते ही जाता है ओके okay? तो आपको अगर टिकना है लॉन्ग टर्म मार्केट में आपको सर्वाइवल करना है मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्राइस और ये प्राइस दोनों भी कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट ओके हाव एवर सर्वाइवल इन अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव प्राइस कटिंग इज नॉट ऑलवेज द आंसर शॉर्ट टर्म में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइस कटिंग करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक सैटेजी रखना चाहिए वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो लोग ले सकते हैं यस yes? uh, अगर समझो मुझे क्रिसमस का प्रोडक्ट लेना है तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं कौन सा टाइप का क्रिसमस का प्रोडक्ट ले रही हूँ और वही सीजन में मैं अपना प्रोडक्ट लेके आ सकती हूँ यस yes? जब मैं उसका प्रोडक्ट लेके आ सकती हूँ तो आई हैव टू सी हाउ द थिंग्स कैन गो ऑन ओके तो सर्वाइवल ऑफ़ द प्रोडक्ट सर्वाइवल ऑफ प्राइज प्रोडक्ट का प्राइस इन द मार्केट इज अ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट उसको अगर ज़्यादा भी शॉर्ट कटिंग कर देंगे लोग लेंगे पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर उसको ज़्यादा ही हाई लेवल में रखेंगे तो लोग लेंगे जो हाई लेवल में है पर तभी भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है ओके okay? तो सरवाइव करना है लॉन्ग लास्टिंग के लिए तो बी केयरफुल हाउ योर प्राइजिंग स्ट्रेटेजी इज बीन केप्ट ओके देन वी हैव प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स, ओके प्रॉफिट uh, ऑब्जेक्टिव दो वे में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओके अगर अट्रैक्टिव प्राइस रिजल्ट रहेगा तो हाई सेल होता है यस छः सौ रुपये वाला दो सौ रुपये में मिलता है तो हंड्रेड टेन परसेंट जहाँ एक लेते थे आप मार्केट से uh, कंज्यूमर वो तभी तीन लेने के लिए शुरू करेगा क्योंकि उसको मालूम है छः सौ रुपये वाला प्रोडक्ट अभी दो सौ रुपये में दे रहे हैं क्वालिटी में भी कोई कम नहीं है चलो अभी अपन तीन ले लेते मतलब उस आपका सेल बढ़ता है ओके विच इन टर्न हेल्प्स टू अचीव अ सर्टन लेवल ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओके देन वी हैव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोस्टली किसको हेल्प करता है शेयर होल्डर को अपना डिविडेंड मिलना अपना इंटरेस्ट मिलने के लिए ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शेयर होल्डर बिकॉज वही तो देखता है भाई तुमको रिटर्न कितना मिला तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है तुम्हारा एसेट uh, का वैल्यूज कितना है जो हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है कि नहीं देन वी हैव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव सी टू गेट एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल जितना प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल में लिख सक, हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट नेसेसरी इनवॉल्व फिक्सिंग हायर प्राइस जरूरी नहीं है वो एक हायर प्राइस में मिलने के लिए लो प्राइस में ब्रिंग इन हायर सेल्स एंड प्रॉफिट लो प्राइस से भी हाइस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट मिल सकता है दैट इज डिपेंड अपॉन यू एंड द कंज्यूमर कंज्यूमर का जरूरत क्या है कंज्यूमर का नीड क्या है कंज्यूमर कैसा चाहता है उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न ये सब इम्पोर्टेंट होता है ओके okay? Then we have sales objective, shares market growth. A firm may fix the price product at a certain level so as to be defend its current market share and if it is not possible to increase the market share. Okay. Uh, share growth is very, very important. A firm uh, fix apna price and product at a certain level. Ta. Okay. So as to defend its current market. शेयर मतलब उस अपना मार्केट शेयर निकालने के लिए वो उतना लेवल में प्राइस रखता है ओके okay? और कभी कभी होता है प्राइस को इंक्रीज़ कर सकता है कभी कभी होता है प्राइस को कम भी कर सकता है ओके वी विल नेवर नो व्हाट इट हैपन व्हेन बट एग्जिस्टिंग प्राइस जो रखा है वो कॉम्पिटेटर के साथ बराबर तो रहना बहुत ज़रूरी है, है कि नहीं सेल्स ग्रोथ मैनेज मार्केटिंग मैनेजर्स वुड लाइक टू अचीव सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ यूनिट सेल्स ग्रोथ और इन मनी टर्म्स ओके सेल्स रेवेन्यू सेल्स में से पैसा मिलना से ही अपना प्रॉफिट बढ़ता है और जैसा अपना प्रॉफिट बढ़ता, बढ़ता है अपना सेल्स का ग्रोथ हुआ है इसका मतलब और जैसा, जैसा सेल्स का ग्रोथ हुआ है मनी का भी ग्रोथ हो रहा है कंपनी का ओके okay. uh, और जैसा मनी ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब है फर्म एक सक्सेस के साथ चल रहा है ओके इंक्रीज इन सेल्स टारगेट डज नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन अदर ऑब्जेक्टिव एज प्रॉफिट ओके दिस इज बिकॉज सेल्स में इंक्रीज बट प्रॉफिट में एक्चुअली डिक्रीज और फर्म में इवन सफर लॉसेस डिस्पाइट ड्यूरिंग द सेल्स कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उसका उल्टा कि वो कम करके भेजने की वजह से उसको लॉसेस भी मिल सकता है देन वी हैव कॉम्पिटिटिव दैट इज इफेक्ट ऑब्जेक्टिव एट टाइम्स अफर्म में डिलीबरेटली सीक टू रिड्यूज द इफेक्टिवनेस ऑफ वन आर मोर कॉम्पिटिटर इट मे फिक्स दिस प्राइस इन सच अ वे दैट इट वेबल्ड इट टू विन ओवर कॉम्पिटिटर्स कस्टमर यस yes, वो ऐसा फिक्स करेगा प्राइस को कि कंप्यूटर कस्टमर्स को भी वो अपना कस्टमर बना के लेके आ सकता है उसका प्राइस के हिसाब से यस yes, उसका प्राइस ऐसा रखता है कि रीजनेबल रहे और सब प्रोडक्ट को खरीद सकता है विथ गुड क्वालिटी अगर दिसंबर में आपका फुटवेयर और गार्मेंट्स को डिस्काउंट मिलता है ओके So 110% of uh, many people will start uh, purchasing the product. Yes. And December is that can that comes all Christmas and New Year. So in that time, many people, many customers will buy many thing in departmental store, retail store, roadways, anywhere. Okay. Competitive effective object. Then we have image dif uh, differentiation. Some firms may create image differentiation through pricing. They may charge a premium price for their product to create a distant image. वैस एंड वर द कॉम्पिटिटर्स इन द माइंड ऑफ दियर टारगेट ऑडियंस फॉर्म लाइक मसरीज बेंस रोलैक्स वॉचेस एंड अदर्स हैव एडोप्टेड दिसटेजी सम फॉर्म मेक चार्ज अ मॉडरेट प्राइस फॉर अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ओके क्या होता है कोई आ, कोई कंज्यूमर प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटजी रखता है कि भाई अगर मेरा क्वालिटी अच्छा है तो भी मैं प्रीमियम प्रोडक्ट रखूँ प्रीमियम प्राइस रखूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट कोई ना कोई ले सकता है और मेरा जो ब्रांड है वो स्टेबल रहेगा जैसा अभी रोलेक्स वॉच रहने दो टाइटन वॉच रहने दो इनका जो स्टैंडर्ड लेवल है वो कभी भी सेम रहता है ओके एंड व्हेन आई कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट वो कभी कभी लो लो प्राइस रखते हैं पर उनका जो क्वालिटी रहता है वो स्टैंडर्ड लेवल से भी ज़्यादा अच्छा रहता है ओके okay, तो उन, उन्होंने अपना इमेज जो रखा है भले उनका इमेज एक स्टैंडर्ड हाई फाइल लेवल में नहीं आएगा पर वो इमेज कभी भी लागू रहता है कभी भी सब कंज्यूमर का माइंड में रहता है ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट है जो अपन यूज करते हैं पर वो उतना स्टैंडर्ड लेवल हाई लेवल में नहीं आता पर उस स्टैंडर्ड लेवल में भी उसका क्वालिटी हाई लेवल का कंपेरिटिवलिटी रहता है देन अर्ली कैश रिकवरी Firm that face liquidity problems, or those they believe the life of the product of market is likely to be short, or may adopt a pricing strategy design with the objective to generate high cash flow and lead to an early recovery of cash. अब भी क्या होता है कंपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करता है दैट मीन्स पैसा का प्रॉब्लम फेस करता है उनका पास कैपिटल फ्लो बराबर नहीं रहता मतलब तो पैसा का फ्लो बराबर नहीं रहता है तो उन लोग स्टॉक क्लियरेंस करके बाहर कपड़ा डाल देने का ये स्टॉक क्लियरेंस करके बादाम पिस्ता बाहर रख देने का ताकि लोग कम भावे करके दे के लेने आ सकते हैं वैसा भी नहीं है तो वो ये देखते हैं कि उनके पास जल्दी से जल्दी रिटर्न आ जाए ओके okay? और अपना कंपटीशन मिनिमाइज कर दे तो फटाफट फटाफट फटा 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 अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट करने के लिए देखते हैं ओके देन मार्केट एंट्री बैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अडॉप्ट लो प्राइस द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट द पोटेंशियल एंट्रं वुड रिकोगनाइज ल लो रिटर्न्स अवेलेबल एंड द डेंजर ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन द प्राइज वन कभी कभी ऐसे भी है कि अपने से भी कोई एंट्री नहीं होना चाहिए तो प्राइस को लो लो में डिग्री कर देते लो प्राइस कर देते कम प्राइस कर देते ऑफ दैट प्रोडक्ट अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस, प्राइस ज़्यादा रहो तो नहीं करेंगे ओके okay? So, main important thing is the potential entrance would recognize the low returns available and the danger of getting involved in practice war. Okay, uh, this, uh, this entry is very uh, important, which is recognize the low return available and uh, while getting uh, involved in a price war. एग्जिस्टिंग फॉर्म में भी एबल टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट वो भी अपना अपना कॉम्पिटिशन मिनिमाइज करेगा क्योंकि वो ये चाहता रहेगा कि कोई बार वाले लोग कॉम्पटिशन के अंदर एंट्री नहीं होना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव का रहता है प्राइसिंग डिसीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है नॉट ओनली हायर मिडिल क्लास फैमिली लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लाइक रहना चाहिए लाइक डॉक्टर्स डॉक्टर्स ऐसा नहीं कि हाई फाई दवा लिख के दे दिया है उसका जो कंटेन है वो एक ही है पर दवा लिख के जो दिया है उसका वो बहुत हाई फाई है वैसा नहीं होना चाहिए ओके okay? तो so, इसीलिए ये ध्यान देते हैं कि आ, दिस काइंड ऑफ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आर बीन प्रॉपरली डन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपना लिए सोसाइटी भी लेना चाहिए ना ऐसा नहीं कि ना सिर्फ पैसे वाला ही आपका सामान ले सोसाइटी भी लेना चाहिए सोसाइटी को मालूम भी पड़ना चाहिए कि हाँ ऐसे सब प्रोडक्ट अवेलेबल है अपन ये सब प्रोडक्ट ले सकते हैं अगर आज अफोर्डेबल नहीं पर कल अफोर्डेबल है तो भी कल आके लेंगे सो दिस काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मोर मोर इम्पोर्टेंट एंड दिस चेंजेस ऑफ लो प्राइज और हाई प्राइस इट शुड बी इन अ प्रॉपर वे सो दैट तुम्हारा शेयर होल्डर्स तुमको इफेक्ट ना करें कैसा अगर तुम्हारा फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखेगा तो वो छोड़ के बेच के चले जाएंगे दैट इज़ शुड नॉट हैपन Okay, it's very important for a firm to see whether everything is done in professional way, technological way. Okay, girls, thank you.